ओके स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं अपनी अगली एक्सरसाइज, दैट इज एक्सरसाइज 5.7। तो ये किसके ऊपर बेस्ड एक्सरसाइज है? ये है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के ऊपर बेस्ड। यू कैन सी कि क्वेश्चन में ही क्या गिवन है, फाइंड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स। क्या होते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स? फर्स्ट ऑर्डर कुछ इस तरीके से होते हैं, राइट? और सेकेंड ऑर्डर क्या होते हैं? अगर इस पे हम स्क्वायर लगा दें, डी स्क्वायर, लेट से वाई का डेरिवेटिव निकालना है तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ऐसे हम इसको रीड करते हैं। तो अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं, इस फॉर्म में दिया हुआ है, इसका सेकंड ऑर्डर निकालना है। तो लेट्स एज्यूम इज इक्वल्स टू वाई, क्या करेंगे, पहले फर्स्ट ऑर्डर निकालेंगे, निकाल लेते हैं, दैट इज डी वाई बाई डी एक्स, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x प्लस 3x का 3 एंड प्लस 2 का 0। किस तरीके से हम सेकेंड ऑर्डर निकालते हैं, पहले फर्स्ट ऑर्डर निकालते हैं, उसका दोबारा डिफ्रेंशिएशन करते हैं लाइक दिस, कि दोबारा d अपॉन डी एक्स होता है ना डिफ्रेंशिएशन, तो जो हमारा डी वाई बाई डी एक्स आया उसका दोबारा डिफ्रेंशिएशन करेंगे, मतलब क्या निकल जाएगा, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, मीन्स इस चीज का दोबारा डिफ्रेंशिएशन करेंगे, क्या आएगा, 2x का 2 प्लस 3 का 0, सो दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। इतना इजी होता है, कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं है। क्या करना है, एक बार डेरिवेटिव निकाल के फिर दोबारा डेरिवेटिव निकालना है, दैट्स इट। सिमिलरली क्वेश्चन 2 देखते हैं, लेट्स से x की पावर 20 दिया हुआ है इज इक्वल्स टू y, तो dy by dx क्या आ जाएगा, 20x की पावर 19, राइट? देन इसका हमें निकालना क्या है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो वो क्या आ जाएगा, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, मतलब 20 × 19 × x की पावर 18, मतलब 380 x की पावर 18 इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। वेरी सिंपल, वेरी इजी। दो क्वेश्चन देखे हमने, क्या किया, एक बार डेरिवेटिव निकाल के दोबारा डेरिवेटिव निकाला, फॉर्मूला सेम रहेंगे डेरिवेटिव निकालने के, रूल्स सेम रहेंगे, बस क्या करना है, दो बार डेरिवेटिव निकालना है। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक्स इंटू कॉस एक्स, क्या करना है, क्वेश्चन सेम है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, राइट? तो इसको हम अगेन वाई अज्यूम कर लेते हैं, क्या निकालते हैं, डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं पहले। तो लेट्स से दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड, प्रोडक्ट रूल लगेगा, लगाते हैं फर्स्ट को रख के सेकंड का डिफरेंशिएशन, दैट इज माइनस साइन एक्स, देन प्लस सेकंड को एज इट इज कॉपी करके फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, दैट इज 1, दैट्स इट। अब मुझे क्या करना है, मेरे पास क्या है, माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, राइट? ये मेरे पास क्या है, डी वाई बाई डी एक्स, बट मुझे क्या करना है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, तो मुझे क्या निकालना होगा, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू, माइनस को ऐसे लिख लेते हैं, अब दिस इज फर्स्ट दिस इज सेकेंड, दोबारा आई हैव टोल्ड यू अर्लियर रूल्स सेम रहेंगे, फर्स्ट को कॉपी करके सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन प्लस सेकेंड को कॉपी करके फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। ओके, तो यहाँ तक हमने इसको डिफरेंशिएट कर लिया, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, कॉस एक्स का क्या होता है, माइनस साइन एक्स। अब इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं, लेट्स सी, दैट इज माइनस एक्स कॉस एक्स, देन माइनस साइन एक्स माइनस साइन एक्स, तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस टू साइन एक्स इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, क्या किया, पहले डेरिवेटिव किया, फिर इसका दोबारा डेरिवेटिव किया, दैट्स इट, दिस इज ऑल अबाउट योर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, क्या है, लॉग एक्स, सिमिलरली प्रोसीड करते हैं, इसको वाई अज्यूम कर लेते हैं, तो पहले क्या निकालेंगे हम, डी वाई बाई डी एक्स, क्या होता है लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन, 1/x, राइट? अब हमें क्या करना है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, तो क्या करेंगे, इसका अगेन डिफरेंशिएशन कर दीजिए, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, क्या होता है 1/x का डिफरेंशिएशन, दैट इज माइनस 1/x2, तो दिस इज द आंसर। ये भी बहुत बार रिजल्ट यूज होता है 1/x का डिफरेंशिएशन, तो आप इसको याद रख लेंगे, सो इट वुड बी मोर कन्वीनियंट फॉर यू। सो हमारा फोर्थ क्वेश्चन भी खत्म हो गया, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। ओके स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, क्या गिवन है इसमें, एक्स क्यूब लॉग एक्स। ओके,
तो क्वेश्चन सेम तरीके से प्रोसीड होना है. इसको y अज्यूम कर लीजिए. क्या निकालेंगे सबसे पहले? dy by dx. कैसे निकलेगा? वी हैव क्लियरली, अगर हम देखें तो क्लियरली दिख रहा है कि वन टर्म इंटू सेकेंड टर्म. तो क्या दिख रहा है कि प्रोडक्ट रूल लगेगा, राइट? लगा लेते हैं. लेट्स से दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड. क्या होता है प्रोडक्ट रूल? फर्स्ट को कॉपी करके सेकेंड का डिफरेंशिएशन log x का क्या हो जाएगा? 1 by x, देन प्लस सेकेंड को कॉपी करके फर्स्ट का डिफरेंशिएशन दैट इज x क्यूब का क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर, राइट? थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं. ये इससे कैंसिल होकर 2 आ जाएगा, तो dy by dx क्या आ जाएगा आपके पास? x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर log x. क्या क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया? नहीं, हमें डबल डेरिवेटिव निकालना है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है. तो क्या निकालेंगे? d2y by dx स्क्वायर. अगेन डिफ्रेंशिएशन करते हैं, x की पावर 2 का क्या हो जाएगा? 2x. देन प्लस इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? लेट्स से दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड. अगेन इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा. 3 बाहर लिख लेते हैं क्योंकि कांस्टेंट है. तो फर्स्ट को कॉपी करके सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन प्लस सेकेंड को कॉपी करके फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन. ओके, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं होता डिफरेंशिएशन में. अब इसको सिर्फ फर्दर सॉल्व कर लेते हैं. क्या आ जाएगा? 2x प्लस ये इससे कैंसिल हो जाएगा, दैट इज 3x प्लस 6 log x. 3 इंटू 2 6 हो जाएगा और एक x भी है, 3x log x, राइट? फर्दर क्या आ जाएगा? 5x प्लस 6x log x इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन. किया कुछ नहीं है, पहले एक बार डेरिवेटिव किया. लेट्स, आपको इसे कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत नहीं है. ये सोच लीजिए यही क्वेश्चन दिया हुआ, इसको डेरिवेटिव करना है, दोबारा डेरिवेटिव कर दीजिए, सिंप्लीफाई करके आंसर आ गया. दिस इज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 5. ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ योर एक्सरसाइज. क्या गिविन है? e की पावर x sin 5x. तो इसका आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, राइट? स्टार्ट करते हैं कैसे. लेट्स से इज इट इज इक्वल्स टू y, तो क्या निकालते हैं? dy by dx. तो क्या करेंगे? लेट्स से दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड. डिफरेंशिएशन स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट को एज इट इज रख के सेकेंड का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? cos 5x. देन 5x का भी डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या हो जाएगा? 5. देन प्लस सेकेंड को एज इट इज रख के दैट इज साइन 5x. फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेम e की पावर x, राइट? इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं, तो dy by dx क्या आ जाएगा हमारे पास? दैट इज 5 e की पावर x cos 5x, देन प्लस e की पावर x साइन 5x. इसमें से मैं e की पावर x कॉमन निकाल सकती हूँ. ओके स्टूडेंट, तो dy by dx इस फॉर्म में आ जाएगा. अब हमें क्या निकालना है? डबल डेरिवेटिव, मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है. तो अगेन डिफरेंशिएट करते हैं इसको. तो स्टार्ट करते हैं, क्या निकालना है? d2y upon dx square. तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ये ज्यूम कर लीजिए, दिस इज फर्स्ट एंड दिस होल ब्रैकेट के अंदर जो है ये सेकेंड है. तो क्या करेंगे? फर्स्ट को रख के सेकेंड का डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 5 इंटू कॉस का माइनस साइन 5x, एंड देन 5x का इंटू 5, देन प्लस साइन 5x का क्या हो जाएगा? कॉस 5x इंटू 5, राइट? देन प्लस का साइन. फिर क्या करते हैं? सेकेंड को एज इट इज रख के फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, e की पावर x का, तो e की पावर x ही रहता है, राइट? अब आंसर आ गया है. क्या कर लेते हैं? थोड़ा सिंप्लीफाई करके इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं. ओके, तो इस स्टेप में मैंने क्या कर लिया? e की पावर x को कॉमन निकाल लिया है. तो यहाँ पे क्या बचेगा? 5 इंटू 5 और माइनस है, तो माइनस 25 साइन 5x. यहाँ पे क्या बचेगा? 5 कॉस 5x, देन ये एज इट इज. अब इसको अगर और ज़्यादा सिंप्लीफाई करके देखें तो क्या आ जाएगा? d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल्स टू e की पावर x तो है ही, तो 5 cos 5x प्लस 5 cos 5x क्या हो जाएगा? 10 cos 5x एंड माइनस 25 sin 5x प्लस 1 sin 5x क्या हो जाएगा स्टूडेंट? माइनस 24 sin 5x. सो दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन.
टू कॉमन लेना चाहें ले सकते हैं, अदरवाइज दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन. किया कुछ नहीं है, वी हैव डन द वेरी सेम थिंग. पहले एक बार डिफ्रेंशिएट किया, फिर दोबारा डिफ्रेंशिएट कर दिया, दिस इज द आंसर. ओके स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7. क्या दिया हुआ है क्वेश्चन? e की पावर 6x इंटू कॉस 3x. तो एज्यूम कर लेते हैं, लेट्स से कि ये y है, तो हमें क्या निकालना है? dy वाई बाई डी एक्स. कैसे करते हैं? अगर दो फंक्शन प्रोडक्ट में लिखे हों, प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, एक फंक्शन को फर्स्ट एज्यूम कर लेते हैं, दूसरे को सेकेंड. क्या होता है फंक्शन? पहले वाले को एज इट इज कॉपी कीजिए, दूसरे वाले का डिफ्रेंसिएशन कीजिए, फिर क्या करेंगे? 3x का डिफ्रेंशिएशन, तो इंटू 3, देन प्लस दूसरे वाले को एज इट इज कॉपी कीजिए और पहले वाले का डिफ्रेंशिएशन कीजिए, क्या हो जाएगा? e की पावर 6x इंटू 6. दैट्स इट. इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं, क्या हो जाएगा? माइनस है, देन 3 e की पावर 6x साइन 3x, देन प्लस 6 e की पावर 6x कॉस 3x. अब इसमें से मैं कुछ चीज़ें कॉमन ले सकती हूँ, राइट? ले लेते हैं, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं. dy वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा? लेट्स से 3 भी कॉमन ले लीजिए और e की पावर 6x भी, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? माइनस साइन 3x, राइट? यही बचेगा. अब क्या करेंगे? अब इसका अगेन डिफ्रेंशिएशन करेंगे, दैट इज अगेन प्रोडक्ट रूल लगेगा. एक टर्म ये है एंड सेकेंड टर्म इज दिस, तो इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकेंड, और सबके बाहर 3 कॉमन ले लेते हैं. तो क्या करेंगे? फर्स्ट को एज इट इज रख के सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन, इसका क्या हो जाएगा? माइनस, राइट? फर्स्ट को रख के सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन कर लिया, फिर क्या करेंगे? सेकेंड को एज इट इज रख के फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन, दैट इज e की पावर 6x इंटू 6 हो जाएगा. दैट्स इट. अब बस इसको रीअरेंज कर लेते हैं, क्या हो जाएगा? डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर. अगर मैं इन दोनों टर्म्स में से e की पावर 6x, e की पावर 6x कॉमन ले लूं, हो जाएगा, तो क्या बाहर आ जाएगा? 3 e की पावर 6x. इसमें से हम e की पावर 6x भी कॉमन ले सकते हैं, और एक टर्म है 3 जो सबके साथ आ रहा है, इनके साथ दोनों के साथ 6 है, इसमें से हम 3 कॉमन ले लेते हैं, इंटू 3. अब मेरे पास क्या बचेगा इस टर्म में से? ओके स्टूडेंट्स, अब थोड़ा और कर लेते हैं. दिस इज cos 3x, दिस इज प्लस 4 cos 3x, ये माइनस है, तो क्या हो जाएगा सॉल्व करके? डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, बाहर क्या आ गया? 9 e की पावर 6x, और अंदर क्या बचेगा? दैट इज प्लस 3 cos 3x एंड माइनस 2, माइनस 2 क्या हो जाएगा? माइनस 4 साइन 3x इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन. अगेन सेम चीज की है, एक बार डेरिवेटिव, देन दोबारा डेरिवेटिव. यहाँ पे थोड़े रीअरेंजमेंट्स किए हैं हमने, कॉमन ली हैं चीजें, जिससे कि आंसर जो है वो थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में दे सके. दैट्स इट. ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8. क्या है? tan इनवर्स x दिया हुआ है. अगेन प्रोसीजर इज सेम, इसको y अज्यूम कर लेंगे, देन डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा? इसका डिफरेंशिएशन करना है tan इनवर्स x का. क्या होता है हमें पता है, रिजल्ट रेडीमेड होता है, दैट इज 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर. अब क्या करना है? दोबारा डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि क्वेश्चन में सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पूछा हुआ है. तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? नाउ हियर हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? क्वेश्चन रूल लगाएंगे. ओके, दिस इज न्यूमरेटर, दिस इज डिनोमिनेटर. क्या करते हैं? डिनोमिनेटर का स्क्वायर करके, देन डिनोमिनेटर को लिख के न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे, जीरो हो जाएगा, देन माइनस न्यूमरेटर को एज इट इज कॉपी करके डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो क्या आ जाएगा आंसर? दैट इज इक्वल्स टू माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन. दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 8. ओके स्टूडेंट, आगे चलते हैं. ओके स्टूडेंट, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है. log इंटू log x. अगेन प्रोसीजर इज वेरी मच सेम, इसको y एज्यूम कीजिए, क्या निकालेंगे? dy बाई डी एक्स कैसे निकलेगा? पहले log का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, क्या होगा? 1/log x, फिर log x का करेंगे, उसका क्या होगा? 1/x,
तो ऑन सिंप्लीफाइंग क्या आ जाएगा, 1 अपॉन x log x, राइट। क्या करेंगे अब, दोबारा डिफ्रेंशिएशन करेंगे, d2y टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो इसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म में है, क्वोशेंट रूल लगा दें, दैट इज अपॉन x log x का स्क्वायर। फिर जो नीचे लिखते हैं उसको एज इट इज लिख लेते हैं, और 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, देन माइनस का साइन फॉर्मूले के अंदर ही होता है। फिर क्या करेंगे, 1 को कॉपी करके इसमें प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, मतलब ये फर्स्ट ये सेकंड क्या हो जाएगा, फर्स्ट को रख के सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड को रख के फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। दैट्स इट, क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया है। अब इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं, ये 0 हो जाएगा, 0 इंटू एनीथिंग 0, तो क्या बचा माइनस, अब एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, दैट इज माइनस 1 प्लस लॉग एक्स अपॉन एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ओके, बहुत सिंपल था। सिर्फ अगर आपको लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन पता है तो ये क्वेश्चन करने में आई थिंक कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सी, पहले हमने dy बाई dx निकाला, फिर जो हमारे पास आया इसका दोबारा डिफरेंशिएशन कर दिया। दिस इज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 9। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 10। ओके स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। क्या दिया हुआ है, साइन लॉग एक्स दिया हुआ है, तो इसके इक्वल्स टू वाई मान लेते हैं, राइट। क्या निकालते हैं, dy बाई dx। ओके स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन। क्या होगा साइन समथिंग का, कॉस समथिंग, दैट इज कॉस log x, देन log x का करेंगे क्या होगा, इंटू 1 बाई एक्स, राइट। ये तो आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव। अब हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, मतलब d2y अपॉन dx स्क्वायर निकालना है। कर लेते हैं, अब ये अगर आप ध्यान से देखें तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में है, क्वेश्चन रूल लगेगा, दैट इज अपॉन एक्स स्क्वायर। फिर क्या होगा, डिनोमिनेटर रख के न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन log x इंटू 1 बाई एक्स, ओके। देन माइनस पुट करके क्या करते हैं, हम न्यूमरेटर को एज इट इज कॉपी करके डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, दैट इज 1। डिनोमिनेटर x है ना, तो x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, 1। अब ये x से ये x कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आंसर आपका, माइनस साइन log x माइनस cos log x अपॉन एक्स स्क्वायर। क्या आया ये आपका, d2y अपॉन dx स्क्वायर इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ओके, तो हमने 10 क्वेश्चन किए, 10 के 10 में क्या निकालना था, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना था, निकाल लिया। आई होप आपको समझ आया होगा, दैट्स इट। ओके स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। तो क्या कहा है क्वेश्चन में, कि इफ y इज इक्वल्स टू 5 cos x माइनस 3 x sin x, अगर y ये दिया हुआ है तो हमें प्रूफ करना है कि d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस y किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो सेम प्रोसीजर से चलेंगे, पहले हम d2y अपॉन dx स्क्वायर निकालते हैं। उसे निकालने के लिए पहले क्या निकालना होगा, dy अपॉन dx, ओके। y गिवन है, लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। क्या आ जाएगा dy by dx, 5 कांस्टेंट है बाहर लिख लेते हैं, cos x का डिफरेंशिएशन, देन माइनस 3 एंड sin x का डिफरेंशिएशन, राइट। ये तो आपका dy by dx आ गया, बट चाहिए क्या, d2y अपॉन dx स्क्वायर, वो निकाल लेते हैं। अगेन डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, sin x का क्या आ जाएगा, देन cos x का क्या आ जाएगा, माइनस sin x, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या आ जाएगा, प्लस 3 sin x। नाउ स्टूडेंट, अगर मैं इधर से माइनस कॉमन ले लूं, तो यू कैन सी कि y बन जाएगा, दैट इज अगर माइनस कॉमन ले लिया तो, राइट, यही वैल्यू है y की, यहां पे मैं y पुट कर दूं, ओके, माइनस y। अब मैं अगर इस y को इधर ले जाऊं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस y इज इक्वल्स टू 0। यही तो हमें प्रूफ करने के लिए बोला गया था, राइट। कर दिया हमने प्रूफ। दूसरा तरीका क्या हो सकता था, जो आपका d2y अपॉन dx स्क्वायर है, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए, y की वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए, दोनों कैंसिल होकर 0 आ रहे हैं, देन द स्टेटमेंट इज
ट्रू. ये हमने क्या किया, यहीं पे थोड़ा एडजस्टमेंट करके वाई बना लिया एंड देन वी गॉट द आंसर. दिस इज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 11. ओके स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12. क्या कहा गया है क्वेश्चन में, दैट इफ वाई इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स एक्स है, अगर ऐसा है तो आपको क्या निकालना है, इसका सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है, मतलब डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ वाई अलोन. ये एक कंडीशन दे दी गई है कि जो आप आंसर देंगे उसके अंदर जितने भी टर्म्स हैं वो सब वाई के टर्म्स में ही होने चाहिए. स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को. ये निकालने से पहले हमें क्या निकालना होगा, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव, मतलब डी वाई बाई डी एक्स. सो स्टार्टिंग द सोल्यूशन, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, मतलब कॉस इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन हमें पता है, फॉर्मूला हमने पढ़ा है, दैट इज माइनस वन अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर. ठीक है, ये तो हमने वन लाइन में कर दिया. अब जो बात इन्होंने कही है कि सिर्फ y में आंसर चाहिए, तो मैं यहाँ पर ही x को इन टर्म्स ऑफ y लिख लूँगी. कैसे, ये गिवन है तो यहाँ से x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, cos y. सो ये x की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर देती हूँ, दैट इज माइनस वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस cos स्क्वायर x. सो अगर मैं x के प्लेस पे cos y लिख दूँ तो मेरे पास यहाँ पे cos स्क्वायर y आ जाएगा स्टूडेंट्स, राइट. अब अगर आप डिनोमिनेटर को ध्यान से देखें तो ऑन सॉल्विंग ये sin y आ जाएगा. कैसे, जो अंदर आइडेंटिटी है वो कौन सी लगेगी, दैट इज sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1 होता है. सो फ्रॉम हियर 1 माइनस cos स्क्वायर x क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर x और उसका अंडर रूट sin y. सो अब 1 बाय sin y को मैं क्या लिख सकती हूँ, cosec y. सो बेसिकली जो dy वाई बाई डी एक्स आया वो आपके पास क्या आ गया, माइनस cosec y. अब आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, निकाल लेते हैं d2y टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, माइनस है ही cosec y का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, राइट. एंड फिर y का डिफ्रेंसिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा, dy वाई बाई डी एक्स. सो स्टूडेंट्स, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू मैं यहाँ से उठा के वहाँ पे पुट कर सकती हूँ, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दैट इज कॉसेक वाई कॉट वाई इंटू माइनस कॉसेक वाई. सो नाउ मल्टीप्लाइंग अगेन क्या आ जाएगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर वाई कॉट वाई इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन. बहुत ईजी था, बस जो एक चीज़ याद रखने की थी वो ये थी कि आपको आंसर इन टर्म्स ऑफ एक्स नहीं छोड़ना है, y ही होना चाहिए. अब आप अगर अपने आंसर को देखें तो यहाँ पर एक भी फंक्शन नहीं है जो x की टर्म में है, सब y की टर्म्स में है. सो बेसिकली दिस इज डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर. ओके स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13. क्या कहा है इस क्वेश्चन में, y गिवन है, दैट इज 3 cos log x प्लस 4 sin log x, और आपको प्रूफ करनी है जो इक्वेशन दी हुई है, मतलब एक्स स्क्वायर. ये d2 का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, दिस मीन्स d2y टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, सिंपली इट मीन्स सेकेंड ऑर्डर डेरेवेटिव. एंड dy का मतलब क्या होता है, dy वाई बाई डी एक्स, सॉरी y1 का मतलब होता है dy वाई बाई डी एक्स, मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरेवेटिव. तो निकालते हैं, पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरेवेटिव निकाल लेते हैं, फिर सेकेंड ऑर्डर डेरेवेटिव निकालते हैं. क्या होगा, 3 इंटू cos x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन x, तो cos log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन log x, देन log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 1 बाय x, प्लस 4 साइन log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, cos log x, देन log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 1 बाय x. अब ये x दोनों साइड है, मैं इसे कॉमन लेके इधर ले जाऊं, क्या हो जाएगा, x dy वाई बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू, राइट. अभी तो हमारा dy वाई बाई डी एक्स आया, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कर लेते हैं, लेट्स से दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट को एज इट इज रख के सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन, देन सेकेंड को एज इट इज रख के फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन, x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, इधर डिफ्रेंशिएशन करते लिख देते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, इधर करेंगे तो माइनस 3 साइन log x का क्या हो जाएगा, cos log x, एंड log x का क्या हो जाएगा, 1 बाय x, देन प्लस 4 cos log x का, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन log x, एंड देन log x का क्या हो जाएगा, x. ओके,
ये अगेन आई कैन टेक कॉमन, इधर मल्टीप्लाई में चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, अगर इधर से मैं माइनस कॉमन ले लूं तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, तो स्टूडेंट अगर आप ध्यान से देखें तो ब्रैकेट के अंदर क्या बन गया, ये y, इसके प्लेस पे y लिख दूं मैं और इस टर्म को इधर ले आती हूं, तो मेरा क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाय डी एक्स, ये इधर माइनस वाई बनेगा, इधर आके प्लस वाई हो जाएगा, इज इक्वल्स टू जीरो, यही प्रूफ करना था, राइट कर दिया, हैंस प्रूव्ड, राइट स्टूडेंट्स। तो अगर आपसे ये ऐसे नहीं बन रहा है तो देयर इज अनदर वे, आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे, फिर आप डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, दोनों वैल्यू उठा के उसमें पुट कर दीजिए, सॉल्व द इक्वेशन एंड जीरो आ जाएगा। उससे ईजी तरीका ये है, जब क्वेश्चन को बनना होगा ना स्टूडेंट वो खुद ही बनता चला जाएगा, आप देख रहे थे यहाँ पे इसे डिफ्रेंशिएट किया हमने तो ये बनना शुरू हो गया, फिर यहाँ से कॉमन आ गया, सो वेरी इजी क्वेश्चंस, दिस इज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 13। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। इसमें क्या गिवन है कि इफ y इज दिस, दैट इज a e की पावर mx प्लस b e की पावर nx, तो शो करना है हमें ये इक्वेशन जीरो के इक्वल है कि नहीं। तो सबसे पहले इसमें हमें क्या क्या चाहिए, एक तो डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, निकाल लेते हैं, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर चाहिए, दोनों निकाल लेते हैं, लेट्स सी हाउ, स्टार्टिंग द सॉल्यूशन, डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, ए इंटू ई की पावर एम एक्स का डिफरेंशिएशन, ई की पावर एम एक्स इंटू एम प्लस बी ई की पावर एन एक्स का डिफरेंशिएशन, ई की पावर एन एक्स इंटू एन, राइट, दोबारा डिफरेंशिएट कर लेते हैं, दैट इज डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकाल लेते हैं, क्या आ जाएगा, अगेन ए एम कॉन्स्टेंट है, दोबारा इसका डिफरेंशिएशन ई की पावर एम एक्स, तो एम ए एम स्क्वायर हो जाएगा, देन सिमिलरली हियर, तो हमने वैल्यूज निकाली, अब क्या करना है, इसको वहां पे पुट करते हैं, दैट इज पहले ये लिखना है हमें, दैट इज ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स, देन क्या है, माइनस एम प्लस एन एंड डी वाई बाई डी एक्स, दिस थिंग दैट इज ए, देन प्लस एम एन इंटू वाई जो गिवन है, इस स्टेप से स्टेप पे हमने क्या किया, हमने एक्सपेंड करके लिख लिया है, मतलब इसकी प्रोडक्ट अंदर कर दी, सेम उसके अंदर कर दी, अब मैं इसको क्या फर्दर सॉल्व कर सकती हूँ, ये माइनस का साइन बाहर है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करके, मैं इसी स्टेप में दिखा देती हूँ हाउ, मैंने माइनस की प्रोडक्ट अंदर कर ली, अब देखिए चीजें कैंसिल हो रही हैं, तो कर लेते हैं, दैट इज ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स कट जाएगा, माइनस ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स, सिमिलरली बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स कट जाएगा, माइनस बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स, दिस थिंग इससे कट जाएगी, ये चीज इससे कट जाएगी, तो एवरीथिंग इज कैंसिल्ड आउट एंड द आंसर इज जीरो, यही शो करना था कि इस इक्वेशन का रिजल्ट जीरो आना चाहिए, हमने इस इक्वेशन का रिजल्ट जीरो ला दिया, दैट्स इट, दिस इज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 14 स्टूडेंट्स, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। क्या कहा है 15 क्वेश्चन में, कि इफ y इज इक्वल्स टू 500 e की पावर 7x प्लस 600 e की पावर माइनस 7x है, तो शो कीजिए दैट डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 49y होगा। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन को इन द वेरी सेम मैनर, क्या करेंगे, सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स कर लेते हैं, क्या आएगा 500 e की पावर 7x इंटू 7 आएगा, क्योंकि फिर 7x का डिफरेंशिएशन करेंगे, देन प्लस 600 e की पावर माइनस 7x, इसके इंटू में क्या आएगा, जब माइनस 7x का डिफरेंशिएट करेंगे माइनस 7, सो ये हो गया, अब क्या करेंगे, अब डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर कर लेते हैं, सो अब क्या आएगा, एक 7 ऑलरेडी है, 500 है, e की पावर 7x का e की पावर 7x एंड देन 7x का इंटू 7, देन प्लस 600 इंटू माइनस 7, ई की पावर माइनस 7 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ई की पावर माइनस 7x इंटू माइनस 7। ओके स्टूडेंट्स, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, इसको रीअरेंज कर लेते हैं दोनों में, 49 में बाहर निकाल सकती हूँ, राइट, तो 49 बाहर ले लेते हैं, अंदर क्या बचेगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, देन प्लस, सो अगर आप ऑब्जर्व करें तो जो ब्रैकेट के अंदर है दैट वाज द क्वेश्चन गिवन, वो y है,
वाई पुट कर लेती हूँ मैं इसके प्लेस पर, यही प्रूफ करना था कि डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर 49y है। हमने कर दिया, क्या किया, सिर्फ यहां से 7 कॉमन ले लिया, वेरी सिंपल क्वेश्चन, हैंस प्रूव्ड। ओके स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16। क्या गिवन है कि इफ e की पावर y x प्लस 1 के इक्वल है, तो हमें वो प्रूफ करना है कि डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल आएगा डी वाई बाई डी एक्स के होल स्क्वायर के। सी, ये फर्क मैंने आपको पहले बताया था, दीज टू थिंग्स आर डिफरेंट। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन को, इसको डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, राइट। क्या होगा, इसे फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकेंड मान लीजिए, तो फर्स्ट को एज इट इज रख के सेकेंड का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, देन प्लस सेकेंड को एज इट इज रख के फर्स्ट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, e की पावर y जी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 का डिफरेंशिएशन 0। रीअरेंज कर लेते हैं, सी e की पावर y कॉमन ले लूं मैं अगर, हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा उधर जाके। अब क्या बचेगा, इस 1 को मैं इधर ले जाऊं तो x प्लस 1 इज इक्वल्स टू माइनस 1। स्टूडेंट इसको रीअरेंज करके मैं क्या लिख दूंगी, dy by dx क्या जाएगा, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x, राइट। अभी तक मैंने क्या निकाला, dy by dx, अब मुझे क्या निकालना है, d2y by dx स्क्वायर। तो इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में है तो 1 प्लस x का स्क्वायर, फिर क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को कॉपी कीजिए, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, माइनस का साइन बाहर है, देन माइनस न्यूमरेटर को कॉपी कीजिए, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन 1, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। तो अगर मैं इसका स्क्वायर करूं तो क्या आ जाएगा, मीन्स इसका स्क्वायर मतलब माइनस 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। सो यू कैन ऑब्जर्व कि दिस इज इक्वल्स टू दिस। सो स्टूडेंट आप क्या कह सकते हैं कि डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, डी वाई बाई डी एक्स के होल स्क्वायर के, यही आपको प्रूफ करना था, हैंस वी हैव प्रूव्ड, दिस इज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 16। ओके स्टूडेंट, तो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17। क्या कहा है, क्वेश्चंस आर वेरी मच सिमिलर, कि वाई दे दिया गया है टेन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, प्रूफ करना है आपको, शो दैट करना है कि ये इक्वेशन इक्वल्स टू 2 है। तो हम अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, राइट तो डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेते हैं, क्या होगा, पहले इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे कि एक्स स्क्वायर को सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, देन 10 इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, दैट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, तो अब सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, दैट इज डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो 2 को बाहर ले लेते हैं, अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, राइट। फिर क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को एज इट इज कॉपी कीजिए, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देन माइनस न्यूमरेटर को एज इट इज कॉपी कीजिए, डिफरेंशिएशन का डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x। नाउ यू कैन सी 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और ये जो डिनोमिनेटर में है मैं इसे इधर ले जाती हूँ, तो क्या बन जाएगा मेरे पास, यहाँ तक आ गया। अब मैं यहाँ से यहाँ कैसे जाऊँ, कैसे लाऊँ, जस्ट लुक एट इट केयरफुली के 2 10 इनवर्स x की वैल्यू मैं यहाँ से यहाँ पे पुट कर सकती हूँ, 2 10 इनवर्स x पे, कर लेते हैं क्या आएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अंदर मल्टीप्लाई कर लूँ, 2 माइनस 2 और x और 2 एक्स स्क्वायर के 2 10 इनवर्स x के प्लेस पर मैं क्या लिख लूँगी, इट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, पुट कर देते हैं इसकी वैल्यू यहाँ पे। अब स्टूडेंट क्या करना है, सिर्फ अगर इस चीज़ को इधर ले आए तो हमारा ये आंसर बन जाएगा, दैट्स इट। लिख लेती हूँ, लेट्स राइट इट हियर, के 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर क्या है, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये वाई टू ही होता है तो वाई टू, ये इधर माइनस में था इधर प्लस में आएगा, तो प्लस 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, वाई 1 एंड इक्वल्स टू 2।
सो हैंस वी हैव प्रूव द क्वेश्चन. इसी के साथ हमने अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है, दैट इज एक्सरसाइज 5.7. पूरी एक्सरसाइज में क्या करना था, डबल डेरिवेटिव निकालना था. यही कॉन्सेप्ट वो हमें सिखाना चाहता था. आई होप कि आपको सब कुछ समझ आया होगा और हर एक क्वेश्चन अब आप सॉल्व कर पाएंगे. थैंक यू.